हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं प्रोवर्ब्स। पहला जो प्रोवर्ब्स है वह ईट इंटू। क्या ईट? ईट मतलब खाना, इंटू यानी तो करना खा रहा है, लेकिन क्या होना खोखला होना, खोखला करना। ईट खा रहा है लेकिन क्या होना खोखला होना। एग ऑन टू मोटिवेट, कोई कार्य के लिए प्रेरित होना। क्या होना कोई कार्य के लिए प्रेरित होना। एग ऑन खा कर प्रेरित हो गए। एंड अप यानी टू डू समथिंग फाइनल यानी आखिरकार पता। टू एंड अप मतलब डू समथिंग फाइनल यानी आखिरकार पता चल जाना। मतलब फॉल अपार्ट टू ब्रेक इनटू पीस मतलब बिखर जाना। फॉल अपार्ट मतलब अलग अलग बिखर जाना। फॉल बैक ऑन यानी कि ना कठिनाई के समय में किसी चीज़ का प्रयोग करना। मतलब टू यूज आज से लास्ट रिसोर्ट मतलब कठिनाई के समय में ना किसी चीज़ का प्रयोग करना। मतलब फॉल फॉर मतलब फॉल इन लव। फॉल फॉर मतलब फॉल इन किसी में आकर्षित होना। फॉल फॉर मतलब लव होना। फॉल आउट मतलब टू क्वारल विद झगड़ा होना। फॉल आउट या विद। फॉल फॉर मतलब लव होना। फॉर लव हो गया। फॉल आउट आउट विद क्वारल हो सकता है। आउट हो सा आउट मतलब आउट का। फॉल अवे मतलब टू ब्रेक अप टू बैक आउट दोस्ती या संबंध तोड़ लेना कदम वापस घींच लेना। फॉल अवे मतलब दोस्ती या संबंध क्या ना तोड़ लेना या कदम वापस घींच लेना। टू ब्रेक अप टू बैक आउट टू ब्रेक अप हो गया या क्या ना बैक आउट हो गया। ब्रेक अप हो गया या बैक आउट हो गया। ब्रेक अवे हो गया। फॉल इन विद यानी टू एग्री टू सम ओपिनियन मतलब किसी के विचार में फॉल इन विद मतलब उसमें क्या एग्री हुई है। मतलब फॉलो होना टू लिसन टू फॉल फ्रॉम समथिंग कम होना किसी चीज़ से नीचे गिर पड़ना। फॉलो मतलब टू लिसन कम होना या फॉल फ्रॉम समथिंग किसी चीज़ से क्या ना गिर पड़ना। फॉलो मतलब टू बी समवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अटैक किसी की जिम्मेदारी होना आक्रमण करना। फॉल ओवर मतलब टू फॉल ऑन ग्राउंड टू ट्राई हार्ड टू समथिंग जमीन पर गिर पड़ना किसी काम को करने में पूरा प्रयास लगाना। फील अबाउट मतलब टू फील समथिंग व्हाट टच छू कर मैं फील अबाउट मतलब किसी चीज़ को छू कर महसूस करना। मतलब फील लाइक टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग किसी काम को करने का इच्छुक होना। फिगर आउट मतलब अंडरस्टैंड समझ पाना। फेस फॉर मतलब टू ट्राई टू बी इन फेवर मतलब प्रयास करना प्रशंसा आदि प्राप्त करने का। एक बार रिविजन कर लेते हैं इसको। ईट इंटू तो ज़्यादा खा रहे हैं ज़्यादा लेकिन क्या हो रहे हैं खोखला हो रहे हैं मतलब टू बी केन हो रहे हैं खाना से उल्टा बोल दिया खोखला हो रहा है। ई कौन मतलब क्या ना मोटिवेट होना मतलब कार्य करने के लिए प्रेरित हो गया। ई खा लिया तो प्रेरित हो गया टू मोटिवेट। एंड अप मतलब आखिरकार पाना। एंड अप मतलब आखिर में क्या करना पा लेना। यानी टू डू समथिंग फाइनली आखिरकार में पा लेना। एंड अप हो गया। एंड क्या हो गया अप हो गया यानी आखिरकार में पा लिया कर लिया आखिरकार कर पाना। फॉल अपार्ट मतलब अपार्ट हो गया पार्ट हिस्सा में टुकड़ों में विभक्त होना बिखर जाना। अगला फॉल बैक ऑन यानी किस टू यूज एट लाइन ला किसी कठिनाइयों के समय किसी चीज़ का प्रयोग करना। उसको क्या कहते हैं फॉल बैक मतलब दोबारा मतलब कठिनाई के समय किसी चीज़ को क्या करना उपयोग करना। बैक मतलब दोबारा टू यूज आज से लास्ट रिसोर्ट मतलब कि कठिनाइयों के समय किसी का उपयोग करना किसी चीज़ का कठिनाई के समय किसी चीज़ का प्रयोग करना। फॉल फॉर मतलब फॉल फोर तो किसी से लव हो जाना यानी लव आकर्षित हो जाना। अब बैक फॉल बैक मतलब कठिनाइयों के समय टू यूज कठिनाइयों के समय किसी चीज़ का प्रयोग करना मतलब टू यूज ऐसे लास्ट ऐसा। फॉल आउट आउट हो या बीत हो गया मतलब क्वारल करना। फॉल अवे यानी टू ब्रेक अप टू बैक अप। फॉल अवे मतलब दूर हो जाए मतलब कि टू ब्रेक ए रिलेशन टू ब्रेकअप या टू बैक आउट मतलब दोस्ती या संबंध तोड़ लेना या कदम वापस यानी ब्रेकअप या टू ब्रेक आउट। अप ब्रेकअप हो गया या ब्रेक आउट हो गया बैक आउट हो गया
ब्रेकअप मतलब कि दोस्ती या संबंध क्या है ना, तोड़ लेना, या बैकआउट, आउट मतलब वापस कदम खींच लेना। देखिए फोर ना हुआ तो फॉल अवे मतलब क्या होना, टू बैक आउट होना, यानी कदम वापस खींच लेना, या ब्रेक अप दोस्ती या संबंध तोड़ जाना, टू ब्रेक ब्रेक अप और बैक आउट होना। फॉल इन भी मतलब किसी के साथ एग्री होना, टू एग्री तो संबंध होना, किसी से विचार में सहमत होना, क्या ना फॉल इन विथ, फॉल होना इन विथ मतलब किसी से क्या ना विचार में सहमत होना। फॉल ऑफ देखिए फॉल इन मतलब किसी में विचार में सहमत होना, फॉल अवे मतलब फॉल इन टू ब्रेक अप, फॉल अवे मतलब फॉल अवे टू ब्रेक अप हो गया, या टू क्या ना बैक आउट हो गया। फॉल अवे टू ब्रेक अप मतलब दोस्ती या संबंध को ना तोड़ लेना, या कदम टू ब्रेक आउट बैक आउट होना, बैक आउट होना। फॉलो मतलब टू लिसन, टू फॉल फ्रॉम समथिंग लिसन, फॉल ऑफ कम करना या किसी चीज से नीचे गिरना, ऑफ होना। मतलब फॉल ऑन यानी टू बी समवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू डे किसी की जिम्मेदारी होना या करवाना होना। टू बी समवन क्या कहेगा, फॉल ऑन मतलब किसी की जिम्मेदारी होना या क्या ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू बी समवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अटैक। फॉलो मतलब कम ना लेसन होना। फॉलो टू फॉल ऑन द ग्राउंड, टू ट्राई टू डू समथिंग ना जमीन पर गिर जाना, किसी काम को करने में पूरा प्रयास लगा देना। फॉल फील अबाउट मतलब छूकर महसूस करना, फील अबाउट फील लाइक मतलब किसी काम को पूरा करने का इच्छुक होना। फील लाइक लाइक मतलब कि किसी काम को क्या करना, पूरा करने के लिए इच्छुक होना। टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग, फिगर आउट मतलब समझना। फेस फॉर मतलब टू ट्राई टू बीन पे मतलब कि प्रयास करना, क्या प्रशंसा जीतने के लिए। फेस फॉर यहाँ देखिए फॉल ऑफ मतलब कम ना किसी चीज़ में नीचे गिरना, फॉल ऑन मतलब टू समवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ देखिए ये वाला टू फॉल अवे मतलब ब्रेकअप होना, बैकआउट होना।